मंत्रालय ने स्वाति फैक्ट्री गेट के समक्ष प्रदर्शन कर घायल मजदूर के इलाज और परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था की मांग की। तारांकन। मोहनपुर स्थित स्वाति फैक्ट्री में पिछले 19 अक्टूबर को घायल मजदूर चिहुअटिया गांडेयर निवासी बबलू पांडे के इलाज को लेकर कंपनी द्वारा लापरवाही बरतने के खिलाफ आज भाकपा माले एवं AICCTU की ओर से फैक्ट्री गेट के समक्ष एक प्रदर्शन कर घायल के समुचित इलाज तथा परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करने की मांग की गई। माले नेता सह AICCTU के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव तथा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा की अगुवाई में पीड़ित परिवार एवं गांव के लोगों को लेकर इस सवाल पर पहले तो फैक्ट्री गेट पर जाकर प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फैक्ट्री की ओर से टालमटोल करने के रवैये को देखते हुए गेट का समक्ष ही प्रदर्शन तथा नारेबाजी शुरू कर दी गई। करीब आधे घंटे के प्रदर्शन के बाद प्रबंधन के लोगों ने बाहर निकलकर वार्ता की पेशकश की, जिसके बाद पीड़ित परिवार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को वार्ता के लिए भेजा गया। वार्ता क्रम में फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे मान ली गई। इसके अनुसार धनबाद में इलाजरत मजदूर बबलू पांडे के इलाज को लेकर सारा खर्च तथा इस बीच उसके परिवार के भरण पोषण तथा उसके विकलांग हो जाने की स्थिति में भी उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने को प्रबंधन तैयार हो गया। वार्ता से संतुष्ट होने के बाद इस चेतावनी के साथ आंदोलन को स्थगित किया गया कि यदि वार्ता के अनुसार फैक्ट्री प्रबंधन ने उस पर अमल करने में कोई भी कोताही बरती तो सैकड़ों लोगों को लेकर पुनः आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आज के आंदोलन में घायल बबलू पांडे की पत्नी बबनी देवी, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विनोद राम सहित सनातन साहू, मुन्ना साहू, मजबूल अंसारी, वासदेव पंडित, रामवृक्ष तुरी, दीपू राम, बोधी पंडित, अशोक विश्वकर्मा, हीरालाल पंडित, विदेशी चक्रवर्ती, श्यामलाल तुरी आदि मौजूद थे।